गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा है डिटरमिनेंट, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं मैथ्स में, ठीक है। इवन कुछ एप्लीकेशन हमें आगे पढ़नी भी हैं इसकी, तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, राइट। काफ़ी सिंपल टॉपिक है और छोटा भी है। जैसे मैंने माना एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। ये एक ए मैट्रिक्स, तो हमारे ये मैट्रिक्स ए है, इसके ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड की जाती है। तो आपको मैट्रिक्स या तो 2x2 की होगी या 3x1 की होगी, तो वही जो एलिमेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या तो मैट्रिक्स 2x2 की होगी या 3x3 की होगी या 4x4 की, जो भी हो सकती है होगी स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है। जनरली 2x2 सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दी जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, राइट। जो कोफैक्टर से हमारे इन एलिमेंट्स से करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं हम। तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है उसका जो हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, उससे जो एक नई मैट्रिक्स हमारे पास आती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट होता है, राइट। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स हम लोग जानते ही है कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर में क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा a11, राइट। कोफैक्टर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू देखते हैं। तब तक हम लोग कोफैक्टर लिख लेते हैं, हमारा कैपिटल ए, आई जे हमारे कोफैक्टर्स आ गए, राइट। सो एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट रखते हैं ADJ, ये एडजॉइंट का शॉर्टकट है, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हम लोग उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, राइट। तो ट्रांसपोज लेके ये ए मैट्रिक्स ये वाली नहीं है, ये ए मैट्रिक्स हमारी कोफैक्टर वाली है, दे देता हूं मैं, डेट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आई है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, उससे हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, ठीक है। ठीक है जी, आइए इसी में देख लेते हैं एक बार, थोड़ा रफली थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमारे लिए कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, राइट। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, इससे एक आइडिया मिल गया कि हमें करना क्या है। तो हम लोग उसके कोफैक्टर निकालेंगे, राइट। तो कोफैक्टर हमारे क्या क्या आएंगे, ये आएगा a11। लास्ट टाइम हम लोगों ने माइनर एंड कोफैक्टर पढ़े थे, तो बताया था जो कोफैक्टर्स को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, करेक्ट। माइनर के लिए m को m से डिनोट करते हैं, ये आ गए हमारे कोफैक्टर। ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए। अब इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, अभी क्या देखा था एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करना है हमें, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ये मैंने मान लिया ये मैट्रिक्स भी ए है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, इस ए का मतलब उस इनिशियल मैट्रिक्स से नहीं है, इस ए का मतलब जो कोफैक्टर्स हमने लिए हैं उससे है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो ये रो का कॉलम हो जाएगा, राइट। तो जाएगा a11, a12, a13, ये जाएगा a21, a22, a23, ये जाएगा a31, a32, a33, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो क्या किया हमने एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, पहले हमने कोफैक्टर्स निकाले साले, और उस कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो उससे जो हमें मैट्रिक्स मिली उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, करेक्ट बात। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, राइट। तो पहला काम क्या हमारे, हमें इसे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। सो a11 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया हमारा बचा 4, a12 क्या हो जाएगा
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा वन। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ वन प्लस वन कितना था, टू। टू एक इवन नंबर है तो ये प्लस में आएगा, वन प्लस टू एक ऑड नंबर है तो ये माइनस में आएगा। होता क्या है, माइनस वन होता है, इसकी पावर होती है ये, वन प्लस टू थ्री हो गया, यहाँ पे होता है ये माइनस की वन प्लस वन टू। तो पावर यदि इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, यदि पावर इवन है, पावर यदि ऑड है तो ये हमारा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑड है तो नेगेटिव, यहाँ हमारा इवन है तो पॉजिटिव। सेम फॉर ए टू वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री इज ऑड नंबर डेट मीन्स नेगेटिव, माइनस वन। बाकी हम लोग देख लेते हैं, टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाला जो है ये क्या होता है, रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को, ठीक है। तो टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा हमारा, थ्री, ठीक है। तो ये हो गया माइनस थ्री, ए टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, टू प्लस टू फोर, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया टू। तो इससे हमारी एक जो मैट्रिक्स बनी वो क्या बनी, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। इससे हमारा क्या क्या एलिमेंट आए हैं, फोर माइनस वन माइनस थ्री टू। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ ए, ये ए जो है हमारी वो मैट्रिक्स है जिसका हमने कोफैक्टर लिए हैं। ये ए मैट्रिक्स हमारी इनिशियल मैट्रिक्स नहीं ली है, ये हमारी वो मैट्रिक्स है जिसके हमने कोफैक्टर लिए हैं, राइट। सो व्हाट वी राइट, ट्रांसपोज ऑफ ये आ गया फोर माइनस वन माइनस थ्री टू, राइट। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, क्या आएगा, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो का कॉलम कॉलम करो, सो ये आ गया हमारा फोर माइनस वन माइनस थ्री टू, ठीक है। तो ये हमारी रो जो थी, इस रो के कॉलम बन गया और ये रो कॉलम बन गई, राइट। तो ये हमारे मैट्रिक्स आ गई, क्या आया, ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ये ध्यान रखना है कि एडजॉइंट जो है हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है, एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स के ही लिए होता है, ठीक है, राइट। यहां से यदि इस चीज को हम देखें तो हमें एक बात और समझ में आएगी, इस मैट्रिक्स को देखिए फिर एडजॉइंट को देखिए, जरा ध्यान से देखिए तो क्या समझ में आ रहा है हमें, टू और फोर आपस में इंटरचेंज हुए हैं, राइट। देखिए फोर यहां था, इस पोजिशन पे था, फोर इस पोजिशन पे आ गया, टू इधर था, इधर आ गया, ठीक है। तो मतलब कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये केवल टू क्रॉस टू ऑर्डर टू मैट्रिक्स के लिए बात हो रही है, ये हर जगह ट्रू नहीं है जो मैं बता रहा हूं अभी, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर टू मैट्रिक्स के लिए है। ये हमारे एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं जो हमारे की डायगोनल एलिमेंट है, इंटरचेंज, और ये जो है ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो ऑफ डायगोनल है इनका हमारा साइन चेंज हो जाता है। देखिए वन थ्री है, वन थ्री यहां भी है, लेकिन यहां माइनस वन हो, वहां माइनस थ्री हो गया, तो साइन चेंज हो गए। इस चीज को और हम लोग समझ लेते हैं सही से। सो ये एलिमेंट है ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का, टू क्रॉस टू, थ्री क्रॉस थ्री की बात नहीं हो रही, टू क्रॉस टू के मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट में क्या होगा, ये जो है एलिमेंट मेरे डायगोनल एलिमेंट है, इनका क्या होता है, मैंने बताई इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट। क्या चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये जाएगा ए टू टू वाला, बाकी ए वन टू यहीं रहेगा, ए टू वन यहीं रहेगा, ये हो गया ए वन वन, राइट। बाकी इनका क्या होता है, इनका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया माइनस ए टू वन माइनस, तो हमारा इसका एडज्वाइंट एडज्वाइंट ये हो जाता है हमारा, ठीक है, वो इंटरचेंज, उनका साइन माइनस में। आइए एक थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए जिसके एलिमेंट हैं वन टू फोर, थ्री वन फाइव, टू वन थ्री। इसकी मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी, इसका मुझे
एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, करेक्ट। तो एडजॉइंट निकालते हैं, तुम्हारा पहला काम क्या है, पहले हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर्स, पहले क्या निकालते हैं कोफैक्टर्स। सो फर्स्ट वी फाइंड कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा कोफैक्टर ए वन वन क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गई, बचा क्या हमारा 1153, करेक्ट। और यहां होता है माइनस वन, जिसका ये 1+1 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये 1+1 2 इवन हो गया, तो यानी कि ये पॉजिटिव आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3 बन जा 3 -5 डेट इज -2, ठीक है। फिर निकालेंगे a12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये माइनस में आएगा, माइनस वन की पावर हुई 3 होता है ऑड नंबर, 3 होता है ऑड नंबर, तो कभी भी कोई नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव ही रहता है, यदि वही पावर हमारी इवन हो जाती है तो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये रहेगा नेगेटिव। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, बचा क्या 3 2 5 3 3 2 5 3, करेक्ट बात। तो ये क्या आया -1, 3 3 या 9 10, तो -1 × -1 डेट इज 1। आते हैं a13 पे, 1 और 3 4 हो गया। इस बात का ध्यान रखना है कोफैक्टर्स में, ये साइन का बहुत ध्यान रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। 1 3 4 हो गया, माइनस वन की पावर 4+1, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आया हमारा 3 2 1 1, ये हो गया 1 3 या 3 1 2 या 2 डेट इज 1, राइट। आते हैं a21 पर, 2 और 1 3 हो गया यानी -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 4 3, ये आया हमारा 3 2 या 6 4 1 या 4, ये बचा हमारा 2, ये माइनस भी है तो ये हमारा -2, राइट। a22 पे आते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, 2 2 मतलब क्या हुआ 4 यानी पॉजिटिव नंबर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आया 1 2 4 3, तो ये आया 3 1 जा 3 -4 2 जा 8, ये बचा -5। a23 2 और 3 यानी -1 से मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पे, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आया 1 2 2 1, राइट। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 2 1, और नेगेटिव में रहेगा क्योंकि 5 है ये, तो ये जाएगा -1, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, सो -1 × -3 डेट इज 3। आते हैं a31 पर, 3 और 1 4 हो गया, 4 यानी पॉजिटिव रहेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचा सामने 2 1 4 5, ये यहाँ जाएगा 2 1 4 5, राइट। तो ये कितना आ गया 5 2 जा 10 -4 यानी कि 6। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 4 5 1 3 4 5, 5 1 जा 5, ये ध्यान रखना है 3 2 5 हुआ तो ये माइनस बनाएगा, तो ये -1, 5 1 जा 5 और ये 12, ये आया -1 × -7 डेट इज 7। a33 कितना होता है 6 यानी पॉजिटिव, और थर्ड रो थर्ड कॉलम गई, बचा 1 3 2 1 1 3 2 1, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 यानी कि -5। ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, राइट। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ ए, ए मैट्रिक्स क्या है हमारी जो इससे बनेगी, और लिख लेते हैं यहाँ पे a11 -2 a12 1 1 -2 और -5 और 3, ये 6 7 -5, ये मैट्रिक्स ए आ गई हमारी जो हम लोग को फैक्टर निकाले हैं, राइट। तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है हमें, सो ट्रांसपोज ऑफ किसका, इसका -2 -2 6 1 -5 7 1 3 -5, इसका ट्रांसपोज लिखना, ट्रांसपोज लिखते ही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। आइए ये डिलीट कर दे रहे हैं हम, सो ट्रांसपोज में क्या होता है हमारा, रो का कॉलम, कॉलम का रो, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगी, -2 1 1
2 - 5 - 3 - 6 - 7 - 5 तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट की देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन है, काफी कुछ हम लोग यहां भी देखेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना, पहले हम लोग उसको एलिमेंट्री मेथड से निकाल ट्रांसफॉर्म करते थे रो या कॉलम ट्रांसफॉर्म, अब उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए से भी निकाल सकते हैं। पर एग्जाम में जिस तरीके से पूछेगा वैसे आपको सॉल्व, यदि कहेगा कि रो एलिमेंट्री या कॉलम एंट्री मेथड से निकाल उससे निकालना है, यदि कहेगा एडजॉइंट मेथड से निकालिए तो एडजॉइंट से निकालना है। तो काफी सारी एप्लीकेशन है जो हम लोग उसकी आगे